नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2020 सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है और जून 2021 सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको अपने असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं और साथ में उनको अपना एग्ज़ाम फॉर्म कब सबमिट करना है। अभी जो रिसेंट नोटिस आया है जिसमें असाइनमेंट सबमिशन की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, उसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है उनके मन में कन्फ्यूज़न है कि वो किस किस स्टूडेंट के लिए है और किस किस सेशन के स्टूडेंट को इस समय अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चौहान वीडियोज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इग्नोर से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी आती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जनवरी 2021 सेशन के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया। उसमें दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन लिया है और दूसरे जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा में एडमिशन लिया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 6 मंथ के जो कोर्सेज होते हैं वो और जो सेमेस्टर सिस्टम के कोर्सेज होते हैं वो, सेमेस्टर सिस्टम यानी कि जिनमें 6 मंथ में एग्ज़ाम होते हैं जैसे BCA हो गया, MCA हो गया, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता है पूरा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर होता है, तो इस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज या फिर सेमेस्टर सिस्टम या 6 मंथ का जो कोर्स होता है वो। तो उनके असाइनमेंट जो है उनको जून 2021 में सबमिट करने हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भी जून 2021 में ही सबमिट करना है। यानी कि इस समय जो नोटिस आया हुआ है जिसमें असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को 15 जुलाई 2021 कर दिया गया है और एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट को 9 जुलाई 2021 कर दिया गया है, वो आपके लिए ही है अगर आपने जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया था और सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया था जो 6 महीने का होता है या फिर आपने किसी सेमेस्टर सिस्टम वाले कोर्स में एडमिशन लिया है। तो इसको ध्यान से रखिए जानकारी को। उसके बाद बात कर लेते हैं डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जिनका 1 साल का कोर्स होता है या 1 साल से ज़्यादा का कोर्स होता है, जैसे 3 साल का कोर्स होता है, काफ़ी सारे डिग्री के स्टूडेंट का होता है जो BA, BCOM, BSc करते हैं, BAG, BCOM जी और BSc जी वाले स्टूडेंट जो इस समय हैं तो उनका भी इस समय 1 ईयर का कोर्स ही चल रहा है। वैसे जो शुरुआत की गई थी BAG, BCOM जी और BSc जी की, वो यही कहा गया था जब ये नए सिस्टम शुरू हुआ था कि ये भी सेमेस्टर सिस्टम में चलेंगे, लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण अभी कुछ समय के लिए इनको भी ईयरली कोर्स ही बताया गया है, ठीक है, बना दिया गया है। तो असाइनमेंट सबमिशन आपको करना है अक्टूबर नवंबर 2021 में अगर आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था और एग्ज़ाम फॉर्म आपको सबमिट करना होगा अक्टूबर नवंबर 2021 में, ठीक। एग्ज़ाम कब होंगे इसके ऊपर मैंने अभी इसमें यहाँ पर जानकारी नहीं लिखी है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता कि जून वाले एग्ज़ाम कब होंगे और उसके बाद फिर अब ये जो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे वो कब होंगे, तो इसलिए एग्ज़ाम कब होंगे उसके ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा इस समय, लेकिन असाइनमेंट आपको अक्टूबर नवंबर 2021 में सबमिट करना पड़ सकता है। उसके बाद जून 2021 सेशन के स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट कोर्स वाले स्टूडेंट हैं या जो 6 महीने का कोर्स होता है वो या फिर सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट हैं वो, तो उनको असाइनमेंट सबमिट करना है अक्टूबर 2021 में और एग्ज़ाम फॉर्म होगा अक्टूबर 2021 में। यानी कि असाइनमेंट आपको अक्टूबर नवंबर में सबमिट करने पड़ सकते हैं, असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकती है जैसा कि इस बार भी हो रही है, लेकिन शुरुआत असाइनमेंट सबमिट करने की अक्टूबर से हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आगे डिग्री डिप्लोमा जिन्होंने 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल से ज़्यादा का कोर्स जो होता है उनको जो असाइनमेंट सबमिट करना है अगर आपने जून 2021 में एडमिशन लिया है तो वो करना है मार्च 2022 तक और एग्ज़ाम फॉर्म आपको मार्च 2022 में सबमिट करना होगा। लास्ट डेट जो है वो आगे एक्सटेंड हो सकती है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मार्च 2022 में आपको असाइनमेंट सबमिशन करने की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि मार्च के बाद अप्रैल में भी आप सबमिट कर पाएँ, हो सकता है मई तक भी आप सबमिट कर पाएँ, लेकिन शुरुआत आपकी एग्ज़ाम फॉर्म आपकी असाइनमेंट सबमिट करने की मार्च 2022 से हो जाती है और जो स्टैंडर्ड टाइम है एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने का वो भी मार्च 2022 ही होगा। हो सकता है कि कुछ देर ज़रूर हो जाए, एग्ज़ाम फॉर्म को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन यही स्टैंडर्ड टाइम है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।